सीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में यदि हम इंसर्ट टैब में जाने के बाद से चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो हम कैसे करें। ध्यान दीजिए, चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी डेटा हो और उसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना हो तो ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, चार्ट। जैसे अभी हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मेट हमको दिखाई देगा। आपको कॉलम में चाहिए, कॉलम में भी आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देंगे। दिख रहा है सबको ना, जैसे फॉर्मेट चाहिए आप वैसे फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। प्लस आप जाएंगे तो आगे लाइन में, पाई में, बार में, एरिया में, एक्स वाई, स्टॉप, सरफेस, फिर रेडर, फिर उसके बाद कैमरा, सब में दिखाई देगा। दिख रहा है ना, तो सबसे बेटर है फॉर्मेट तो सबका वही रहेगा, लेकिन हम यही कॉलम में ही लेके समझ लेते। इसमें ले लिए और कॉलम लेने के बाद से जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, ओके यहाँ से क्या कर लिए। अब जैसा हम ओके करेंगे तो देखिए हमारा दो चीज ओपन होगा। पहला हमारा ओपन होगा ये ग्राफ और दूसरा हमारा ओपन होगा एक्सेल का फाइल। दूसरा क्या ओपन होगा, एक्सेल। यानी कि जो हम चेंजिंग यहाँ एक्सेल वाले फाइल पे करेंगे वही हमारा चेंजिंग किसमें होगा, ग्राफ पे होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए हमको देना ये है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देना है, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट देना, उसके अंदर उसका क्या देना है, नंबर देना। आ रहा समझ ना, जैसे सपोज कि आप कहीं स्कूल में काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये बोला गया कि फला नाम का लड़का है और वो फला इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लेकर के आया है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन लेकर के आया, ऐसे पहचानो तो ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन वही जो ग्राफ के माध्यम से निकालो तो हम आसानी से निकाल सकते। जैसे देखिए हम सीरीज वन पे यहाँ पे कर दिए क्या, हिंदी। सब्जेक्ट नेम क्या कर दिए, अब देखिए आप यहाँ पे हिंदी करेंगे ना, नीचे देखिएगा यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा अपने आप कि ये वाला जो कलर है ये किसका है, अब हिंदी। सीरीज टू इसका नाम हमने कर दिया इंग्लिश। हमने क्या कर दिया, अब ये किसमें चेंज हो गया। अगला हम यहाँ पे कर दिए किसमें, मैथ। किसमें कर दिए, अब ये किसमें चेंज हो गया। कोई जरूरी नहीं हो सकता आपका एक और सब्जेक्ट हो, उसमें एक और सब्जेक्ट का नाम जैसे लिखेंगे अपने आप ही ऐड कर, जैसे हम लिख दिए आर्ट। क्या लिख दिए, देखिए एक और कॉलम बढ़ गया यहाँ पे आर्ट, लेकिन अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसके सामने कोई नंबर, जब नंबर भरेंगे ना तब जाके वो वहां पे दिखाई देगा। अब दिख रहा है, अब यहाँ पे हमको नाम देना, तब देखिए कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर लिखा है ना, इसके जब हम नाम दे देंगे, जैसे सबसे पहले राजन, उसके बाद से और कौन है जी बताओ जी, प्रेम। प्रेम, उसके प्रेम। बाद से मुकेश। मुकेश कौन है इसमें जी, प्रेम। कौशल, अब देखिए सबका नाम यहाँ पे चेंज हुआ है ना, हो जाएगा। हाँ अब हमको नंबर देना, ये वन पॉइंट पॉइंट में जो दिया इसको हटा कर हम ये दे दिए कि राजन हिंदी में कितना नंबर लेके आया है, कितना नंबर ला सकते हो जी, 100 में कितना नंबर ला सकते, मैथ में 100 में इंग्लिश लिख लेते हैं 100 में 50 में। उसके बाद बताओ इंग्लिश में, इसमें हाईएस्ट। उसके बाद हिंदी में बताओ, 94 सबसे हाईएस्ट, इसमें आर्ट में कीमत कहना चाहिए हम टाइप कर लिए इसमें कितना, 60 टाइप। दिख रहा सबको ना, अब ऐसे देखिए हम सबका डेटा टाइप करते जाएंगे, इनका हमने टाइप करे, तुम बताओ प्रेम हिंदी में बताओ, 75, इंग्लिश में 82, मैथ में 45 35 और आर्ट में 95। सबका देखिए कॉलम बढ़ रहा है ना, फिर अभी बचा किसका, मुकेश का और कौशल, यहाँ भर लेंगे। तुम बताओ जी कौशल, तुम पहले अपना बताओ। हाँ हाई स्कूल बताओ, हिंदी में कितना था, 45। उसके बाद इंग्लिश में, मैथ में 85, आर्ट में 70,
अब देखिए यहाँ पे हमने सबका नंबर भर लिया है ना, 20 का ये छोटा रह गया, इसका ही हम कुछ नंबर भर लेते हैं कि हिंदी में लेके आ गया होगा लगभग लगभग 55, उसके बाद इंग्लिश में लेके आ गया लगभग 75, वैसे मैथ में कुछ भर दिया पे, और वैसे हम भर दिए किसमें 8, दिख रहा सबको ना। अब जैसे जैसे नंबर पाए हैं लोग, वैसे देखिए ग्राफ आपका दिखाई दे रहा है। अब कहीं आपसे ये पूछा जाए, सबसे पहले ये बताइए कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, और भूना नहीं है ना, बस पहले देखेंगे हिंदी का कलर कौन सा है, ब्लू वाला। सबसे हाईएस्ट कॉलम किसका गया है, राजा, लगभग 90+ दिख रहा है ना, 90 क्या है। फिर उसके बाद से ये पूछा जाएगा, बताइए इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, इंग्लिश में कॉलम देखेंगे ज्यादा किसका है, इसी का है, लगभग कितना है, 80+ है, दिख रहा है ना। फिर आगे पूछा जाए, नहीं मैथ में बताइए, तो मैथ में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉलम किसका ज्यादा है, कॉस, लगभग भी कितना है, 80+। उसका से 8 में सबसे अधिक किसका है, तो प्रेम का है, कितना, लगभग 90+। इस पे कर्सर ले जाने के वैल्यू अपने आप बताएगा, ऊपर देखिए कर्सर के पास लिखा है सीरीज, सीरीज हमारा 8 है, पॉइंट उसका नाम क्या है, प्रेम, और वैल्यू कितना है, 95, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद हो सकता है किसी का और नाम बढ़ाना हो नीचे, तब क्या करेंगे, अभी तो हमने ये कॉलम बढ़ा का बताया है ना, ये 8 नहीं था, 8 लिख दिए, वैसे कॉलम बढ़ के आ गया, किसी का और नाम ऐड करना हो, जैसे हम रमेश का नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे रमेश ऐड करेंगे देखिए एक और यहाँ पे आ जाएगा अपने आप नाम किसका, इसका नंबर जैसे भरेंगे, सपोज के 55 इसमें ला दिया, इसमें 65, इसमें 80, इसमें फिर इसने ला दिया कितना, 40, सबसे कम इसमें। अब देखिए इसका भी कॉलम अपने आप आ गया यहाँ पर ना, बन जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं फिलहाल क्लोज, एक्सेल का फाइल हमारा क्या हो गया, फिर दोबारा लाना, तब कहाँ जाएंगे हम, डिजाइन में, और ये भी आपको दिखाई देगा एडिट डाटा, जैसे एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे फिर आपका वो एक्सेल का फाइल, आपको इसके साथ साथ कई सारे आपको डिजाइन भी दिखाई देगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे कलर दिया, आपको कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर लीजिए, चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना, कलर आपको चेंज करना तो कलर चेंज करिए, अन्यथा आप यहाँ से फॉर्मेट ही चेंज कर लीजिए, चेंज हो रहा है, ये सही है, नंबर भी ऊपर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना, जैसे आप फॉर्मेट लेना चाहते हो वैसे आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना, फॉर्मेट में आप लोग पढ़े होंगे शेप स्टाइल, बाकी अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल देना आप लोग पढ़े ही हैं, हो जाएगा। हाँ इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्विक लेआउट, शीघ्रता से कोई लेआउट बनाना हो, देखिए नीचे इसका नंबर भी जुड़ जाएगा, हिंदी में कितना है, फिर ये इंग्लिश में कितना है, मैथ में कितना, और 8, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको दिखाई देगा ऐड चार्ट एलिमेंट, कि अगर जो और आप कोई नाम ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते, जो डायरेक्टली अगर हम एडिट कर रहे हैं ना तो यहाँ से भी एडिट कर सकते, हो जाएगा ना, जैसे नाम भरेंगे अपने आप एक और इसमें कॉलम क्या हो जाएगा, आ जाएगा, जैसे हम एक और इसमें सब्जेक्ट भर लिए, कौन सा, फिजिक्स भर लें या SST भर लेते, या साइंस कर, चलो यही रहने देते हैं, समझ लीजिए इतना सा। अब देखिए एक और बढ़ के आ गया है ना, अब एक और किसका आ गया, SST, लेकिन कॉलम अभी भी कितना दिखाई दे रहा है, 4, होना कितना चाहिए, नंबर भरी यहाँ पे, एक और कॉलम आ गया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे हो जाए, आपको कोई ग्राफ या कोई चार्ट के माध्यम से कोई ग्राफ बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना, 610 सबसे हाई हो जाएगा ना जी, सर सबसे कम 10 नंबर इसमें, SST में रमेश का, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ इसका इस्तेमाल देखिए ज्यादातर पता है कहाँ होता है, बड़ी बड़ी जब कंपनियों में जाएंगे ना तो जब सेल्स इंक्रीमेंट निकालना होता है ना तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, 21 सन में हमारे बिजनेस में ज्यादा सेल हुआ, 18 सन में, जैसे सपोज करिए कैसे हो जाएगा, अभी हम कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट ले लिए, चलेगा इंसर्ट, और फिर कहाँ पे, चल कॉलम वाला ही ले लेते हैं जो कॉलम में चाहिए, ओके कर ली हम, यहाँ ले लेंगे क्या
यहाँ पे ले लेंगे 2010, 2010 से ही ले लेते हैं। इसमें ले लेंगे 2012, 2013, 14, 15, जितना बढ़ाना उतना बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो हो जाएगा ना। किस किस ने कितना कितना सेल किया उसका नाम ले लेंगे कि राम ने, सपोज कि यहाँ पे हम ए ले लिए, ए फिर बी, उसके नीचे सी और उसके नीचे डी, ये चार लोग हैं। किस किस ईयर में कितना सेल किया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं आया यहाँ पर, अब हो गया ए बी सी, और 2010 का ये कलर है, 2012 का ये कलर है, और 2013 का ये, हो जाएगा ना। अपने हिसाब से सेल अमाउंट चेंज कर लीजिए, जितना जितना अमाउंट हो उतना उतना अमाउंट लिख लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब चार्ट के आगे जाएंगे तो अगला आपको इसमें दिखाई देगा स्क्रीनशॉट। क्या दिखाई देगा? स्क्रीनशॉट। इसका इस्तेमाल समझिए काम, जैसे आप लोग इमेज ला रहे थे ना, इंस्टॉल टाइम में थे तो आप लोग यहाँ से पिक्चर लेके आ रहे थे, सपोज कि आप इंटरनेट से बार बार डाउनलोड कर रहे थे और इंसर्ट करा रहे हैं। यहाँ सर्च कर लिए समझने के लिए फ्लावर इमेज, क्या ले लिए? फ्लावर। अब इसमें से एक एक इमेज आपको चाहिए और आप बार बार उसको डाउनलोड करा और बार बार इंसर्ट करा। सिंपल देखिए तरीका क्या है, वर्ड पे आ जाइए। यदि आप चाहते हैं जो बैकग्राउंड ये हम अप्लीकेशन खोले हैं ना, ये वाला, इसी का स्क्रीनशॉट पूरा पूरा लेकर के आना, तो कहाँ जाएंगे स्क्रीनशॉट और क्लिक कर देंगे किस पे, ये वाला स्क्रीन चाहिए ना, क्लिक कर देखिए डायरेक्टली पूरा स्क्रीनशॉट आ गया है ना, यही बैकग्राउंड में खोले हैं ना। लेकिन इसमें से क्रॉप करना अपने हिसाब से, इंसर्ट, फिर कहाँ पे आ जाएंगे इसके तो नीचे देखिए आपको आपने दिखाई देगा स्क्रीन क्लिपिंग, क्लिक करिए। बैकग्राउंड पहले यही खुला हुआ है ना, यही जो बैकग्राउंड में खुला रहेगा पहले वही आएगा, मिनिमाइज कर देंगे तब तो नहीं आएगा। आ रहा समझे ना? अब जो एक इमेज है उसको करिए यहां से ऐसे सेलेक्ट और छोड़ लीजिए, आ गया। इसमें एक और चाहिए तो इंसर्ट में जाइए, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, कौन सा इमेज चाहिए, ये वाला ले लीजिए, जो चाहिए वो आ जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जो आप इसको मिनिमाइज कर दिए, एक और विंडो खुला आप इसको मिनिमाइज कर लिए, तब यदि आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे ना, पता आपको कहाँ लेकर के जाएगा, डेस्कटॉप पे लेकर के जाएगा, क्योंकि अब दूसरा कोई विंडो आपका ओपन नहीं। आ गया, जो विंडो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो पहले बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। हाँ ध्यान रहे, मिनिमाइज नहीं करना है, यहाँ डायरेक्टली आपको आपके वर्ड वाला फाइल ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको चले जाना है किसमें, इंसर्ट और स्क्रीनशॉट, हो जाएगा, जितना चाहिए उसको सेलेक्ट करके क्रॉप कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे जब जाएंगे तो आपको इंसर्ट में दिखाई देगा ऑनलाइन वीडियो, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए हम चाहते हैं हम कोई ऑनलाइन वीडियो यहीं पे देख सकें, दिख रहा है अभी? हाँ जी, बंद करो, देखो कहाँ पे आ जाएंगे ऑनलाइन वीडियो, सर्च कर लें, जैसे हम वाट इज इनपुट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है इनपुट, या लिख लेंगे वाट इज इज इनपुट, एंटर कर। देखो इनपुट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, दिख रहा है ना, जो चाहिए वाट इज इनपुट, यहाँ मीनिंग दिया ये सेलेक्ट करिए, या वाट इज इनपुट जो चाहिए उसको क्लिक करिए और यहाँ क्या कर लीजिए, एक वीडियो आ गया है ना, प्ले वाले बटन पे क्लिक करिए। हाँ इस ध्यान में इसमें आवाज भी सुनाई देगा, लेकिन अभी हमारे पास स्पीकर नहीं है इसलिए आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। फिर प्ले वाले बटन पे क्या कर दीजिए, तो देखिए आपका वीडियो यहाँ से प्ले होगा, दिख रहा है, फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए, या आगे बढ़ा करके इसको देखिए, फुल स्क्रीन इसमें काम नहीं कर रहा है, विंडो की कुछ समस्या हो सकता है, यहाँ दे रहा है फुल स्क्रीन अनअवेलेबल लर्न मोर, इसमें अभी अनअवेलेबल है, हो जाएगा ना। फिर बाहर क्लिक करिए, ये क्लोज हो जाएगा, आपको कोई दूसरा वीडियो लेना है फिर कहाँ जाइए, ऑनलाइन वीडियो, पढ़ के थक चुके हैं, देख लीजिए मोटो। हो जाएगा ना,
क्लिक करिए और फिर यहां से एक बार प्ले वाले बटन पे क्या कर लिए, क्लिक कर दीजिए। हो जाएगा ना। हाँ एक चीज इसमें आ गया तो बता देना, देखिए कुछ ऐसे वीडियो भी आएगा ना जो यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे वीडियो तो है लेकिन आप दे रहा है कि आप वीडियो अनअवेलेबल, ये वीडियो अवेलेबल इस पे, आपको दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं नहीं चलेगा, इसके बदले आपको दूसरा वीडियो ट्राई कर लीजिए, जो वीडियो यहाँ पे प्ले हो वही देखोगे, है ना। यही है ना जी, प्ले हेलो। ठीक हो है जाएगा ठीक पुलपुरी नगर है करते हैं सब लोग ना, कोई दिक्कत इसमें क्या हुआ? हाँ छोटे बच्चों के लिए डिलीट कर लीजिए, नहीं चाहिए तो हो जाएगा ठीक ना। और है ठीक अच्छा ध्यान दो, इसके आगे आपको मिलेगा क्या, हाइपर लिंक, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो आपके वर्ड में है तो वो क्या है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का काम क्या है कि एक पेज से किसी दूसरे पेज को जोड़ता है, आ रहा समझे ना। और ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है हाइपर लिंक का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो सिंपल बस हम एक शब्द में जवाब देंगे कि हाइपर लिंक का इस्तेमाल किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, आया समझ में ना। चाहे आपका वो करंट डॉक्यूमेंट हो या आपका कोई अन्य फाइल हो, यदि आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो किसके माध्यम से जोड़ेंगे, हाइपर लिंक के माध्यम, हो जाएगा ना। अब जैसे देखिए हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इसमें तीन आप चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कितना, पहले जरा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, अगला जरा पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, जो इस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं इसी डॉक्यूमेंट में यदि किसी चीज का लिंक लगाना है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और आकर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिंक देना चाहते हैं जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल बन करके आ जाएगा, या हम ऐसे लिंक देना चाहते हैं जब उस लिंक पे क्लिक करें तो किसी का ईमेल एड्रेस का लिंक, आ रहा समझे ना। जिसका भी लिंक बनाना हम यहाँ से इसका इस्तेमाल कर समझिए, सबसे पहले हम आते हैं किसमें, एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब, अब इसमें दे रहा करंट फोल्डर, ब्राउजर पेज और रिसेंट फाइल, इन तीनों का मतलब समझिए। करंट फोल्डर का मतलब कि आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के अपने कहीं फाइल में रखे हैं उसका लिंक देना चाहते हैं, हम यहां से क्लिक करेंगे ना वो हमारा फाइल ओपन हो जाए तो करंट में आ जाएंगे, और यदि हम ब्राउजर फाइल से कोई लिंक देना चाहते हैं ब्राउजर से, जैसे अभी हम इमेज सर्च किए थे यहाँ पर ना, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसका लिंक दे दें कि जब भी कोई क्लिक करेगा ना वो डायरेक्टली इस इमेज वाले फाइल में लेकर के चला आए, तो उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, ब्राउजर, और रिसेंट का मतलब क्या, जो तुरंत हम फाइल बनाए रहेंगे उसका लिंक देना है, तो हम यहाँ पे उसका लिंक दे, समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, हम एक बुक बना रहे, क्या बना रहे हैं, एक बुक, उसके लिए हमें क्या किया, लेसन वन अलग डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है और लेसन टू अलग डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है, हम ये चाहते हैं जब लेसन वन पे रहे लेसन वन पे क्लिक है तो लेसन टू टू पे लेके चला जाए, और जब लेसन टू पे क्लिक है तो लेसन वन पे लेके जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल। इसको समझने के लिए पहले हमको दो फाइल सेव करना होगा, पहला किसका, लेसन वन का, और दूसरा लेसन, देखिए पहले हम बना लेते हैं इक्वल टू रेड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फाइल पे गए यहां से कर लिए सेव, ब्राउज और लोकेशन दे दिए कहाँ पे, डेस्कटॉप, इसका नाम दे दिए लेसन वन, और यहां से क्या कर लिए सेव, ये तो रैंड वाला हो गया, एक नया हम ले लिए, इसमें लिखा इक्वल लोरेम, क्या लिख लिए लोरेम ब्रैकेट ओपन, ज्यादा पैराग्राफ ले लेते हैं इसमें, ब्रैकेट कर लें क्लोज, और फिर से इसको फाइल, और यहां से क्या कर लेंगे सेव, इसको किस नाम से सेव करते हैं, लेसन, इसका कर लेते हैं लेसन टू, हो गया है ना। अब देखिए दोनों को क्लोज करते हैं फिलहाल, एक बार कर लीजिए रिफ्रेश, देखिए आपका दोनों फाइल यहाँ पे आ चुका है, एक लेसन वन और लेसन टू वाला, देखिए इसी में कहीं होगा, उसका लोकेशन चूज नहीं किया क्या जी,
नहीं है लेसन वन, ये लेसन टू वाला, यानी वो गया कहाँ होगा, पहले दिस पीसी में आ जाइए, और दिस पीसी में आने वाले से डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन होता है। इसमें देखिए लेसन टू नाम से दे रहा है ना, इसको यहां से कर लिए कट, यहां से राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे कट, और डेस्कटॉप पे लाके क्या कर लेंगे पेस्ट। लेसन टू वाला भी आ गया, यानी कि लेसन वन और लेसन, हम एक फाइल ओपन करें लेसन वन, हम चाहते हैं यहाँ पे एक ऐसा लिंक दें कि जब उस पे क्लिक करें तो लेसन टू ओपन हो जाए, और जब लेसन टू पे क्लिक करें तो लेसन लेसन वन पे है ना, नाम दे देंगे यहाँ पे लेसन टू, क्योंकि हमको लेसन कौन सा ओपन करना है, दूसरा, यहाँ से हम दे दिए लेसन टू, और इसको क्या कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने से कहाँ जाएंगे, इंसर्ट हाइपर लिंक, डेस्कटॉप पे रखे हैं ना, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस नाम से दिए हैं लेसन टू नाम से है ना, लेसन टू, और यहाँ से क्या कर लेंगे लिंक बन गया है ना। देखिए इसका कलर चेंज हुआ है, वैसे ही तो आप कर्सर लेके जाएंगे ना तो अपने आप बताएगा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यदि जो लिंक दिया आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या करिए क्लिक करिए, यानी कि आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखना हो। अभी कर्सर देखिए कैसे दिख रहा है ना, लेकिन जैसे कंट्रोल बटन दबा लिए तो क्लिक किया जाए जैसे, अब जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारा ये लेसन कौन सा ओपन हो गया, दूसरा, हम चाहते हैं अब यहां से क्लिक करके हमारा लेसन ओपन हो जाए कौन सा, नाम दे देंगे लेसन वन, इसको क्या कर लेंगे कहाँ जाएंगे फिर कहाँ पे, यहां से हम क्या सेलेक्ट करेंगे लेसन यही है ना, सेलेक्ट करके यहां से क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो लेसन कौन सा ओपन हुआ टू, और यहां से क्लिक करें तो कौन सा लेसन हुआ, ये लेसन टू है और वो लेसन, कोई नहीं, आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, आप एक मेन हेडिंग दे पाएंगे यहाँ पर ऊपर ना, यहाँ पे लिख लीजिए लेसन ये वन, इसके साइज को आप क्या कर लीजिए बोल्ड कर लीजिए और साइज के यहाँ से बड़ा कर लीजिए, और हो सके तो पहचानने के लिए आप कलर भी कर लीजिए, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे सेव, फिर आ जाए दूसरे वाले पर, यहीं से भी तो जा सकते हैं ना क्लिक, कंट्रोल हाँ कंट्रोल साथ ही क्लिक करना हो, यहाँ पर हम दे देंगे लेसन कौन सा टू, इसको क्या करेंगे सेलेक्ट, साइज के यहां से कर लेंगे बड़ा बोल्ड, और चाहे तो कलर कर लीजिए इसका अलग, कंट्रोल एस से क्लोज भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला देखिए, आप लेसन वन ओपन करिए, लेसन टू तो ओपन नहीं हुआ है ना, लेसन टू पे जाना है तो कंट्रोल साथ यहाँ क्या करिए क्लिक, कौन सा लेसन ओपन हुआ है आपका यहाँ, बस वेट कर लीजिए कौन सा लेसन आया है, लेसन टू समझाना चाहते हैं किसके किसके पास, वन के पास, नीचे आ जाइए और कंट्रोल साथ क्या कर लीजिए क्लिक, आपको कहाँ लेके आ गया लेसन, हो जाएगा ना कोई दिक्कत इसमें, जाएंगे लोग बिल्कुल सिंपल। अभी हाइपरलिंक का मतलब ये समझिए कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करना हो जोड़ना है, आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा, हाँ आपकी किसका पैसा इसका बताया तो है, जैसे सपोज लो कहीं तुम काम करने के लिए गए, काम करने गए तो तुमको दो डॉक्यूमेंट बोला गया बनाने के लिए, दोनों अलग अलग बना दिए, तुमको एक ही जगह से दोनों ओपन करना, फिर क्या करो हाइपरलिंक सेट कर दो, एक पे क्लिक करो दूसरा ओपन हो, दूसरे पे क्लिक करो पहला ओपन हो, अब इसे बेनिफिट देखो क्या मिलेगा, बार बार ये मिनिमाइज ओपन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आएंगे पहला ओपन हुआ, फिर यहाँ पे आएंगे दूसरा ओपन हुआ, ऐसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं। सिंपली बस लिंक पे क्लिक करो लेसन वन, फिर लिंक पे क्लिक करिए लेसन, फिर नीचे लिंक पे क्लिक करिए लेसन, हो जाएगा ना, हमारे समझ में ना, हाँ इसके साथ साथ सपोज करिए आपको ये कहा जा रहा है, एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पे, हम जैसे भी लेसन टू लिंक के नाम लिखे हैं ना, सेलेक्ट करके तो हाइपर लिंक में गए हैं ना, आप चाहें तो बिना सेलेक्ट किए भी कर सकते, बिना टेक्स्ट लिखे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे कर्सर ला दिए बिना लिखे हम लेके आ रहा है, लेकिन अंतर क्या हो, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा आ जाए,
आर एस एन में कैसे, तो हाइपर लिंक में जाइए, लेसन टू हमको लेके आना है ना, लेसन टू। और यहाँ क्या कर लीजिए वो, अब देखिए क्या दे रहा है, लेसन टू डॉट टी ओ सी एस, दिख रहा है ना, इनके इतना लंबा नाम दे रहा है, लेकिन हम खुद से कोई नाम देना चाहते, पहले नाम दे देंगे और उसको सेलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, हाइपर लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, आपको हो जाएगा समझने के लिए। देखिए जैसे एक और इसमें हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं किस चीज का, ब्राउजर पेज वाला, कौन सा ब्राउजर, जैसे हम ब्राउजर पेज पे गए, चाहते हैं कि हम एक ऐसा लिंक दे देना फ्लावर इमेज, जब भी कोई उस लिंक पे क्लिक करे ना ऑटोमेटिक फ्लावर इमेज सर्च करके ला दे। इसके एड्रेस को पहले क्या करेंगे, ये एड्रेस बार जो दिया सेलेक्ट करके कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एड्रेस बार कॉपी हो गया है ना, और इसको कर लेंगे क्लोज। अब देखिए एड्रेस में ला करके हम क्या कर लेंगे, पेस्ट, और यस क्या कर लेंगे, देखिए इतना लंबा नाम आया है ना, काम तो वही करेगा। और सिंपली हम चाहें यहाँ पे दे सकते हैं क्या, फ्लावर लिंक, फ्लावर इमेज लिंक दे सकते हैं, जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट हाइपर लिंक, और ब्राउजर में आके उसके एड्रेस को क्या कर लेंगे, पेस्ट, और यहां से क्या करेंगे, देखिए इतना छोटे में ही आ गया इसका लिंक, हो जाएगा ना, कंट्रोल साथ यहां भी क्लिक करिए, इंटरनेट पे सर्च किया, ये क्लोज कर दिए, और वही चीज हम कंट्रोल साथ यहां भी क्लिक कर, देखिए ऑटोमेटिक इंटरनेट पे लेकर के आ जाए, हो जाएगा ना। सपोज करिए कि आपको एक कोई वेबसाइट, जैसे हम ले लेना है गॉड इमेज, क्या ले लिए, गॉड, ये आपको बार बार सर्च करना पड़े इमेज में, ये आपको क्या करना पड़े, बार बार इमेज करना सर्च करना पड़ रहा है, दिख रहा है ना, बार बार आपको सर्च करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कहीं एक लिंक दे दें, उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक सर्च कर लेंगे, आपको ब्राउजर पे जो ओपन करना है लिखना इसकी आवश्यकता नो, एक बार ओपन करके इसके एड्रेस को क्या करिए, राइट क्लिक करके कॉपी, और इसको यहां से क्या कर लीजिए क्लोज, सिंपली आप नाम दे दे जो नाम देना चाहते हैं इमेज, और इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट हाइपरलिंक ब्राउजर पेज, यहां पे क्या कर लेंगे पेस्ट, और फिर यहां से क्लिक करिए कंट्रोल से, देखिए ऑटोमेटिक वो सर्च करके ला देगा, हो जाएगा, कोई हाँ दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे सब लोग ना, तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, हो जाएगा ना, आज के लिए बस इतना ही।